रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को लगा लेते हैं। तो डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आटा को लिया, यानी गेहूं का आटा को लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। आप चाहें तो आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और एक चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। मिला ले सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। और इसमें पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मली रोटी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आटा को फोल्ड करके रख दिया है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि हमारा जो डो है सेट हो जाएगा। और एक पैन में हम 2 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे मिर्चा और अदरक, जिसे मैं ग्रेट कर ली हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। कुछ सेकेंड भुनने के बाद हम इसमें सब्जियों को डालेंगे। तो यहाँ पर बॉयल किया हुआ मटर को डाल देंगे और ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल देंगे। यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, यानी जैसे शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बंद गोभी को यूज़ कर सकते हैं। और इसी में हम डाल देंगे कुछ मसालों को। तो सबसे पहले डाल देंगे नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक को डालना है। 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और 1/2 चम्मच के करीब ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ आलू डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो इसे न डालें। सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद इसे मैसर से हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। तो इसे मैसर से मैश कर दें इस तरह, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ हमारा जो आलू है मैश हो गया है। अब हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा स्टफिंग है, जो बिल्कुल बन के रेडी है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता को डाल देंगे। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो 1/2 नींबू का रस डाल दें। गैस को मैंने बंद कर दिया है। आप नींबू की जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे बिल्कुल ठंडा होने दें, तब तक हम डो को चेक कर लेते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे मसल कर चिकना कर लेंगे। मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे से बनाया है। ये देखने में उतना टेस्टी नहीं लगता है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो मैं यहाँ पर सूखा आटा को ली हूँ और इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। देखिए, ये साइज के, जैसे हम नॉर्मली रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़े साइज में बनाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोटी बड़ा और पतला बनाना है। तो यहाँ पर सारे बॉल्स को मैं ऐसे ही बना लूँगी। यहाँ हमारे सारे बॉल्स बन के रेडी हैं। और एक बॉल को उठाएंगे, उसमें सूखा आटा लगाकर इस तरह हम रोटी जैसा इसे बेल लेंगे। तो इसे पतला और बड़ा बेलें। तो यहाँ पर देखिए, एक रोटी मैंने बेल लिया है। तो ऐसे एक और रोटी को बेल लें। तो इस तरह आप सारे रोटी को बेल करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। आप रोटियों को अलग अलग प्लेट में रखें। और यहाँ पर हमारा जो तवा है बिल्कुल गर्म है, इसी में हम रोटी को डाल देंगे। गैस को लो रख दें। लो फ्लेम पे ही इसे हम पकाएंगे, क्योंकि रोटी को हमें लाल नहीं करना है। बस इसे कच्चापन नहीं रहे, बस इतना ही सेकना है। तो जैसे एक तरफ का कलर चेंज होगा, हम इस रोटी को उलट पलट कर सेक लेंगे। इसे अब हम निकाल लेते हैं और एक कपड़े पे इसे रखें, ताकि हमारी जो रोटी है बहुत ही सॉफ्ट रहे। तो सारे रोटी को ऐसे ही हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे रैप सीट बन के रेडी हैं, ये देखिए। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो रैप सीट को ऐसे फोल्ड कर लें और इसे हम इस तरह ही कपड़े में बांध के रखेंगे, ताकि हमारा सारा रैप सीट बहुत ही सॉफ्ट रहे। और यहाँ हम एक रैप सीट को लेंगे और इसे हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ देखिए, ये फोल्ड करने से यहाँ मार्क पड़ गए हैं,
तो एक मार्किंग पे हम इसे कट कर लेंगे। काटले से इसे मार्किंग पे ही काटेंगे और ये हमारे जो ट्रायंगल बने हैं तो एक ट्रायंगल पे हम इसमें टमाटो के सॉस डाल देंगे। यहाँ पर मैं टमाटो केचप लगा रही हूँ, आप मेयोनीज का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपको पसंद हो उसे लगा सकते हैं। तो सॉस को लगाने के बाद हम इसमें एक साइड में डाल देंगे कुछ सब्जियों को। तो यहाँ पर मैं टमाटर को डाल रही हूँ, टमाटर के बीज को निकाल दें, प्याज डाल देंगे, प्याज को इस तरह पतले टुकड़ों में काट लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे ये बंद गोभी। तो बंद गोभी को इस तरह पतले साइज में काट लें और इसे बहुत अच्छी तरह से रखें ताकि बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले, और इस तरह रखने से बाहर आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इस ट्रायंगल में हम रख देंगे आलू की स्टफिंग। जो आलू की स्टफिंग हमने बनाया था उसे डाल दें। आप आलू की स्टफिंग की जगह आलू की टिक्की भी रख सकते हैं या इसमें स्माइली भी डाल सकते हैं। इसमें अपने पसंद के कुछ भी डाल सकते हैं, आप हंकट भी डाल सकते हैं। दही को पानी से निकाल लें और उस दही को डाल दें। और इस ट्रायंगल में हम रख देंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं चीज़ को ग्रेट करके डाल रही हूँ, आप चीज़ की स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो जो इच्छा आप इस चार ट्रायंगल में रख दें। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह सबसे पहले सॉस वाले को करेंगे और अब हम इसे दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो आप इस तरह से स्टफिंग भरें, आपकी जो स्टफिंग है बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए पैन में हम बटर को लेंगे। बटर को हल्का सा मेल्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये रैप और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि हमारा जो इसमें का चीज़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारा रोटी जो है अच्छी तरह से सिक जाए। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह हम सेक लेंगे। गैस को बिल्कुल लो रखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो रोटी है अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सारे रोटी को ऐसे सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे रोटी को सेक लिया है, हमारा जो चीज़ है अच्छी तरह से मेल्ट भी हो गया है। तो हमारे जो ये है रैप बहुत अच्छी तरह से बन गया है और बहुत ही टेस्टी बने हैं, और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा यूज किया है। ये देखिए, तो इसे एक प्लेट में निकाल लें और यहाँ पर हमारे रैप बन के रेडी हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।